जी मनोज जी हमारे बहुत अच्छे मित्रों में से एक हैं, तो पहले तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं अध्यक्ष बनने के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये भोजपुरी के लिए गर्व की बात है कि हम में से कोई आदमी जाता है वो तरक्की करता है। और मेरा उनसे भी एक अनुरोध है कि जैसे मैंने एक रिक्वेस्ट किया है, तो चूंकि अब सरकार से वो काफ़ी रिलेटेड है या नज़दीक है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ऐसा कुछ मिलके वो करें कि जिससे भोजपुरी का उद्धार हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सब्सिडी स्टार्ट हो जिससे भोजपुरी के लिए बेनिफिट हो, या फिर जैसे थिएटरों में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि थिएटर में कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए लैंड अगर वो प्रोवाइड करें तो मैं खुद भी तैयार हूँ कि मैं थिएटर्स वगैरह डेवलप कर सकूँ। बोले आप कितना परेशान हैं? देखिए नोटबंदी के लिए तो मुझे लगता है सारे लोग परेशान हैं। ये कदम बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया वो मुझे लगता है वो तरीका ठीक नहीं है। उसमें लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ करते तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंट और ज़्यादा मतलब लोगों को इसका बेनिफिट हो सकता। तो जो आम जनता है वो थोड़ा त्रस्त है, परेशान है, लेकिन एक तरह से आने वाले फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है। नोटबंदी को लेकर आप कितना परेशान हैं? नोटबंदी को लेके सभी लोग परेशान हैं, पर हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स तो हमें चेक से काम चलाते हैं, कैश मिलता ही नहीं, बहुत जगह तो पैसे भी दिए हैं हम लोगों के। ब्लैक मनी नहीं है पास? बिल्कुल भी नहीं, एकदम सारे मनी जितने बचे सब व्हाइट मनी है, ब्लैक तो है ही नहीं, मनी ही नहीं है एक्चुअली। अभी आप फिल्म शूट करके आई है झारखंड में, कैसा रहा झारखंड में आपका एक्सपीरियंस? आप तो वहां के रहने वाली हैं। हाँ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बेसिकली वहीं से हूँ, झारखंड से, मेरी जन्म वहीं पे हुई है, पढ़ाई लिखाई मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया। तो अपने शहर में जब फिल्म शूट होती है, अपने लोगों के बीच होती है, तो बहुत मज़ा आता है, और एक्सपीरियंस भी वहाँ का बहुत अच्छा रहा क्योंकि वहाँ जो क्रिकेट स्टेडियम है खेल गाँव में, वहाँ मैंने स्टेडियम के अंदर हम लोगों ने शूट किया, और जितने भी हमारे सारे लोग थे सपोर्ट में, कैमरामैन, मेकअप मैन, डिज़ाइनर एंड मतलब पूरा शूटिंग का पूरा सभी लोग, सब लोग बहुत सपोर्टेड थे। कुछ कलाकार तो नेपाल से भी आए हुए थे, कैमरा डिपार्टमेंट वगैरह सब लोग नेपाल से थे, पर सबका बहुत सपोर्ट मिला और सब लोगों ने बहुत मस्ती की शूट पे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। पब्लिक तो जा ही रही है शाहरुख खान की मूवी देखने के लिए, भी तो पब्लिक जा रही है, वो कार्ड से पेमेंट कर रही, मतलब कार्ड ऑनलाइन से पेमेंट तो हो ही रही है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिसको कार्ड पेमेंट का आइडिया नहीं है, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे कैसे होगा? जिनको कार्ड पेमेंट का आइडिया नहीं है वो लोग कैसे मेरी मूवी देखे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन अगर आप फ्री में कुछ टिकट देने वाली उन लोगों को? ये ऑफ कोर्स मैं अपने डायरेक्टर से बात